एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, मेरी मां से रो के कहते हैं मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। वो शक्ति क्या है? राजा की आत्मा ईवीएम में है, सही है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है, सही है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है, सही है, सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। चार हजार किलोमीटर चला, उसके बाद 6000 किलोमीटर मणिपुर से महाराष्ट्र, मुंबई, धारावी। क्या मैंने देखा, क्या सुना, मैं आपको समझा नहीं सकता, शब्दों में नहीं बता सकता मैं आपको। बोल रहा हूं तो बात याद आई, मेरे पास एक युवा आता है, जीप पर कूदता है, सिक्योरिटी वाले उसको मारते हैं, दबाकर मारते हैं, तब भी वो आता है, हाथ पकड़ता है, आंख में आंसू, मुझे कहता है राहुल जी, मैंने 3 साल हर रोज सुबह रनिंग की, पुलअप्स की, पुशअप की, दंड बैठक सब कुछ मैंने किया, मेरे दिल में देशभक्ति थी, मैं चाहता था कि मैं लद्दाख में जाकर, ठंड में जाकर, ठंड में कांपूं, देश के दुश्मनों के सामने कांपूं, और एक दिन अगर मौका बने तो उनकी गोली भी खाऊं, यह मैंने सोचा था। राहुल जी, अग्निवीर लागू कर दिया, मेरे देश ने मुझे धोखा दिया है। नहीं, तुम्हारे देश ने तुम्हें धोखा नहीं दिया,
तुम्हारी सेना ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, उसी शक्ति ने तुम्हें धोखा दिया है। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है। जैसे ये बॉलीवुड के एक्टर हैं उनको रोल दिया गया है कि भैया आज सुबह आपको ये करना है, कल आपको ये बोलना है, परसों आप ये करोगे, सुबह उठ के समुद्र के नीचे जाओ, चलो सी प्लेन में उड़ो, 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। धारावी को देखिए आप, मुझसे पूछा गया कि ये जो यात्रा होगी कहां से कहां होगी। मैंने सोचा एक बात क्लियर थी, मणिपुर से शुरू होगी, क्यों वहां पे इसी शक्ति ने सिविल वॉर का माहौल बना रखा है। भाई भाई को मार रहा है, गोली मार रहे हैं, तो शुरुआत तो वहां से होगी। और फिर मैंने सोचा अगर हिंदुस्तान को नया विजन देना है तो यात्रा धारावी में खत्म होगी। यह हुनर का कैपिटल है, हिंदुस्तान के टैलेंट का, स्किल का, हुनर का कैपिटल है, और इनको यहीं से, मुंबई से, इनके घरों से वही शक्ति इनको उठाकर बाहर फेंक रही है। एक साथ मिलकर वही शक्ति इन लोगों की जिंदगी बर्बाद करने में लगी हुई है। मैं आपको स्टेज से बता रहा हूं, चाइना में एक शहर है, उसका नाम शेंजेन है, सच्चा मुकाबला उस शहर से है जो आपको मीडिया में कभी कोई नहीं बताएगा। धारावी शेंजेन का मुकाबला कर सकता है। बैंक के दरवाजे इन बच्चों के लिए खोलो, इन बच्चों को सरकार की मदद करो, और फिर देखो ये शेंजेन का क्या करते हैं, उठा के परे कर देंगे शेंजेन को ये लोग। मेड इन मुंबई, मेड इन धारावी, मेड इन चाइना को उड़ा के हटा देगा, परे कर देगा। मगर नहीं, बाईस लोग हैं यहां पे, बाईस लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। हिंदुस्तान में इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलवाने के लिए साल लग जाते हैं, 10 दिन में शादी के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुल जाता है। वो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर 10 दिन में शादी के लिए खुल जाता है वो ठीक है, करना है करो, मगर बाकी हिंदुस्तान में भी तो खोलो, बाकी प्रदेशों में खोलो। इन्होंने क्या गलती की है? ५० प्रतिशत हिंदुस्तान की आबादी पिछड़े वर्ग की है, 15% दलित, 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, 5% 7% गरीब जनरल कास्ट के लोग। मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालिए, नाम दिखा दीजिए मुझे,
दलित का नाम दिखा दो, आदिवासी का नाम दिखा दो, पिछड़े का नाम दिखा दो लिस्ट में, एक नहीं मिलेगा आपको। मैं ढूंढ रहा हूं, महीनों से ढूंढ रहा हूं, इनकी गलती नहीं है बेचारों की। जैसे मोदी जी मुखौटे हैं, जैसे उनका रिमोट कंट्रोल इनका भी है। मीडिया में कोई नहीं, हिंदुस्तान की सबसे 200 बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए, मालिकों की लिस्ट निकालिए, गरीब जनरल कास्ट का व्यक्ति का नाम बता दो मुझे, दलित का, पिछड़े का, किसी भी गरीब व्यक्ति का नाम बता दो, किसी भी पिछड़े का नाम बता दो 200 कंपनियों के मालिक की लिस्ट में, नहीं मिलेगा। 90 अफसर इस देश को चलाते हैं, मैंने सिस्टम अंदर से देखा है, मैं समझता हूं सिस्टम को, इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। सब कुछ देखा है मैंने, सब समझता हूं, मैं अंदर बैठता था उसमें, सालों में अंदर बैठा हूं, कोई नहीं छुप सकता मुझसे और मुझे दबा भी नहीं सकते हैं। मोदी जी को दबा सकते हैं तो 90 लोग हैं, उसमें एक 3 पिछड़े हैं, 3 दलित, 1 आदिवासी, फर्स्ट जनरेशन गरीब जनरल कास्ट का मुझे दिखा दो, उसमें एक नहीं मिलेगा। बजट में 100 रुपए खर्च होते हैं, पिछड़े, दलित, आदिवासी सबको मिला दो, 6 रुपए का निर्णय लेते हैं। पॉलिसी कहां बनती है? पॉलिसी ये 90 लोग बनाते हैं, उसमें 200-300 और जोड़ दो, उसमें 50-60 अरबपति जोड़ दो, ये है सच्ची शक्ति जो हिंदुस्तान को चला रहा है। और इससे आप कोई नहीं बचेगा, आप में से कोई नहीं बचने वाला। यहां किसी ने ईवीएम की बात की, मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए, ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए, इलेक्शन कमीशन नहीं दिखाता। फिर हमने कहा देखिए इसमें से कागज निकलता है, वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है आप मशीन चलाइए, मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कैसे नहीं होगी, सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम आपके धन को चोरी करने का सिस्टम है। ये आप लोग जीएसटी देते हो, उतनी ही जीएसटी देते हो जितना अदानी देता है, 18% शर्ट पे देते हो उतनी वो देता है, उसकी आमदनी लाखों करोड़ रुपए, आपकी 50,000 रुपए, और फिर देखो पैसा कहां जाता है।